नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए जिनका महीना कैसा रहने वाला है, उनके लिए क्या अच्छी बुरी चीज़ें लेकर आने वाला है ये महीना, इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, ये जो राशिफल है जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित और चंद्रमा की स्थिति पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है या फिर आपकी नाम राशि सिंह है तो ये प्रेडिक्शन हम आपको समर्पित करते हैं। गोचर के ट्रांजिट पर आधारित होने के कारण गोचर के ट्रांजिट की डेट और टाइम यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जून के महीने में पहला जो महत्वपूर्ण गोचर होगा वो होगा 3 तारीख को बुधदेव जो वृषभ राशि में वक्री गोचर को छोड़कर मार्गी अवस्था में गोचर करना शुरू कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ा गोचर होगा 5 तारीख को शनि जो है कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे मार्गी अवस्था को छोड़कर। अगर आप इस शनि के कुंभ और मकर राशि में वक्री गोचर 2022 में आपके लिए कैसा रहेगा इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट पे आपको इसका जो है फोल्डर मिल जाएगा, उसमें जाकर अपनी वीडियो राशि के अनुसार सेलेक्ट करिए और देखिए आपको अच्छे परिणाम कैसे मिलेंगे, क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बना रखी है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होगा वो होगा 15 जून को सूर्य का मिथुन राशि में गोचर होगा। चौथा गोचर होगा 18 जून को शुक्र का वृषभ राशि में और अंतिम गोचर होगा 5वां 27 जून को मंगल का मेष राशि में। ये 5 महत्वपूर्ण गोचर जो है वो जून के महीने में रहने वाले हैं। ये गोचर सिंह राशि वाला आपके लिए क्या अच्छे बुरे परिणाम लेकर आने वाला, इस पर हम चर्चा करते हैं। वैसे सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो महीना है अच्छा रहने वाला है, मिले जुले परिणाम देगा, अच्छा रहेगा। कई क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी तो कई क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा संघर्ष इस टाइम पर करना पड़ेगा। 10th हाउस में सूर्य और बुध की युति होने से नौकरी के मामलों में आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छे उतार चढ़ाव नहीं, अच्छी चीजें प्राप्त हो जाएगी, आपको जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं आपको प्रमोशन मिलने के योग भी इस टाइम पर मिल रहे हैं। अगर आप तबादला चाहते हैं या फिर आप प्रमोशन चाहते हैं, दोनों ही चीजें आपके लिए हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लेकर थोड़े प्रयास करने चाहिए। विद्यार्थी लोगों, आपको स्टूडेंट लोगों कहना चाहता हूं, थोड़ा से आप पढ़ाई को लेकर एक ध्यान एकाग्रचित करिए, आपको अच्छे परिणाम धीरे धीरे मिलते दिखेंगे। घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी क्योंकि 2nd हाउस के स्वामी बुध दशम भाव में सूर्य के साथ युक्त हो रहेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आपके लव लाइफ में थोड़ी परेशानी आ सकती है। लव लाइफ में आपको आपके पार्टनर के साथ एटीट्यूड का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति के अष्टम भाव में आने की वजह से और मंगल ग्रह के साथ युत होने से आपके लव पार्टनर के साथ रिश्तों में थोड़ी सी एक दरार आ सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़े एटीट्यूड की भावनाएं रह सकती है। यहाँ पर आर्थिक मामलों में मैं कहना चाहूँगा, आर्थिक मामलों में फाइनेंशियल कंडीशन की ओर देखा जाए तो यहाँ पर आप प्रसन्नचित रहेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन सिंह राशि वाले जातकों की जून के महीने में बहुत अच्छी रहने वाली है। 2nd हाउस में मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से गुप्त धन की प्राप्ति के योग भी हमें बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में शनि जो है अपनी स्वराशि का होकर वक्री होने से मुश्किलें आ सकती है। जैसे ही शनि वक्री होंगे आपको स्वास्थ्य की परेशानियाँ परेशान करेगी, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे, व्यय आपके ज़्यादा इस टाइम पर रहने वाले हैं। दुर्घटना का योग भी है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें दुर्घटना के लिए, और हो सकता है वाहन वगैरह जो भी है धीरे से चलाएं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वैसे ओवरऑल जून का महीना कैसा रहने वाला है इसके ऊपर मैंने आपको प्रेडिक्शन दे दिया, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती है तो मैं उपाय बता रहा हूँ, उन उपाय को अपने जीवन में उतारिएगा, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्यदेव की सिंह राशि वालों आपको आराधना करनी चाहिए क्योंकि राशि के स्वामी और जगत के पालनहार है सूर्यदेव। इसके बाद आप जो है अपने गले में एक सूर्य जो है स्वर्ण का धारण कर लें या फिर तांबे का धारण करें, आपको अच्छे परिणाम धीरे धीरे मिलते दिखेंगे। मंगलवार को आप जो हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार को भी करेंगे तो भी अच्छा ही आपको रहने वाला है। ये कुछ उपाय है जो आपको करने चाहिए सिंह राशि वाले, इन उपाय को अपने जीवन में उतारेगा, आपको अच्छे परिणाम धीरे धीरे मिलते दिखेंगे। तो आज के बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।